स्वादिष्ट और हेल्दी खाने के शौकीन सभी भाइयों बहनों का टेस्टी बेस्टी किचन में स्वागत है। नमस्कार मित्रों, आज हम एक बढ़िया नाश्ता अप्पम यानी पनियारम बनाएंगे। मेरे यहाँ जब भी शाम को डोसा या इडली बनती है तब मैं बैटर थोड़ा बचा के रख लेता हूँ, ताकि अगले दिन सुबह ये मस्त अप्पम नाश्ते में खाने को मिले। अच्छी हेल्थ के लिए सुबह के नाश्ते में फाइबर भी होना चाहिए, इसीलिए मैं इसमें नारियल और गाजर भी डालूंगा। ये स्वाद में बहुत अच्छे लगते हैं। तो आइए बनाते हैं बढ़िया नाश्ता अप्पम यानी पनियारम। अप्पम बनाने के लिए इडली और डोसा बैटर 2 कप, कसा हुआ नारियल आधा कप, कसा हुआ गाजर आधा कप, हरा धनिया 2 टेबलस्पून, कद्दूकस किया हुआ अदरक 1 टेबलस्पून, हरी मिर्च 1 टेबलस्पून, नमक स्वाद अनुसार, राई 1 टीस्पून, चुटकी भर हींग, उड़द दाल 1 टीस्पून। वेजिटेबल ऑयल लेंगे जरूरत के हिसाब से। सबसे पहले इस बैटर में हम एक तड़का मिक्स करेंगे, गैस चालू करेंगे, 2 टीस्पून ऑयल लेंगे, पहले राई डालेंगे फिर उड़द दाल डालेंगे। उड़द दाल को थोड़ा ब्राउन होने तक भुनेंगे। गैस को बंद कर देंगे, हरी मिर्च और अदरक डाल देंगे। नारियल, गाजर, हरा धनिया, स्वाद के हिसाब से नमक और हींग डाल के अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाल रहा हूँ, ये ऑप्शनल है, इससे हमारे अप्पम थोड़े ज़्यादा सॉफ्ट होंगे। गैस चालू करेंगे, आंच को धीमी रखेंगे, अप्पम बनाने के तवे को गर्म करेंगे, इसमें आधा चम्मच से भी कम तेल डालते जाएंगे। तेल अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हो। अब इसे 5 से 6 मिनट तक ढककर पकाएंगे। अप्पम को दूसरी बाजू भी वापस 5-6 मिनट तक पकाएंगे। अब हम इसे बिना ढक्कन ही पकाएंगे। ये लीजिए, हमारे बहुत ही बढ़िया अप्पम यानी पनियारम बनकर तैयार है। बच्चों को भी ये नाश्ता बहुत ही पसंद आता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। सभी के जीवन में सुख, शांति और स्वास्थ्य बना रहे, यही मंगल कामना।